नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो सीरीज जिसमें हम आपको सिखाएंगे कुंडली देखना, यानी कि ज्योतिष का बारीक अध्ययन, जिससे आप खुद की कुंडली भी देख सकते हैं, दूसरों की कुंडली भी देख सकते हैं और किसी के भ्रमजाल में ना फंस करके आप सही प्रेडिक्शन जान सकते हैं। इसके लिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज कुंडली अध्ययन की। आइए एक परिचय लेते हैं हमारे इस कोर्स का। इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि राशियां क्या क्या हैं, ग्रह क्या हैं और वे किस तरह से काम करते हैं, ग्रहों का उच्च नीच होना क्या है और दशा क्या है, महादशा क्या है, गोचर क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें जो कि आप शायद किन्हीं पंडितों के मुंह से सुने हों या कभी किसी वीडियो में सुना हो, लेकिन उसका असल मतलब क्या है आप नहीं जानते हैं। और ये हमारी वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जिनके पास समय नहीं है कि वे क्लास में जाएं, किसी गुरु के पास जाएं और ज्योतिष सीखें, लेकिन वो सीखना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है जो बहुत ज्यादा इन चीजों में रहते हैं, कभी इससे पूछ रहे हैं, कभी उससे पूछ रहे हैं, उससे अच्छा वो खुद बेसिक जानकारी सारी कर लें ज्योतिष के बारे में और अपनी कुंडली में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ग्रहों की गति से आपके ऊपर क्या प्रभाव आने वाला है, इसको खुद ही समझ सके। आइए तो आज हम शुरू करते हैं कुंडली अध्ययन का पहला अध्याय। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कुंडली के आधार क्या है। कुंडली अध्ययन में जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती वो क्या चीजें हैं। हम अभी गणित विभाग पर ना जाकर के फलादेश पे जो बातें की जाती हैं, जिन आधारों पे देखते हैं, उनके विषय में विशेषकर बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले और आसान भाषा में जो सीधे आपकी जिज्ञासा को शांत कर सके, वैसी बातें हम सबसे पहले आपको बताएंगे और जो उसके पीछे का गूढ़ गणित है वह उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कुंडली क्या है उसको समझने के लिए तीन बातें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। एक तो है भाव। कुंडली में सबसे मुख्य बात है भाव। जो आप चार खाने बने हुए देखते हैं 12 ठो चौकोर से, वे भाव होते हैं और उनमें जो गिनतियां लिखी होती हैं वो किसी ना किसी राशि के बारे में बता रही होती है। तो दूसरा हो जाता है राशि। ये 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह सभी जानते हैं। ये 3 कारक ऐसे हैं जो कुंडली को बनाते हैं। जो आपके सामने कुंडली आती है वो बहुत ही ये कह लीजिए कि बिल्कुल आधार है। ये 3 बातें तो आपको जानना ही चाहिए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे कि कुंडली है क्या। सबसे पहले इनको जानना और पहचानना आपको आना चाहिए। राशियां 12 हैं और 12 राशियों का अपना एक क्रम है, एक संख्या है। जैसे पहली मेष है तो 12वीं सीधे मीन है, इस तरह से उन राशियों का क्रम हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। और भाव भी इसी प्रकार 12 हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ऐसे करके 12 भाव हैं। इन भावों के अलग अलग और भी नाम हैं, जैसे सहज भाव, तनु भाव, धन भाव, लाभ भाव, वे क्या क्या नाम है ये भी हम आगे भाव के अध्ययन में बताते हैं। 9 ग्रह सभी जानते हैं, सूर्य, चांद, मंगल, बुध सभी जानते हैं। 3 बातें आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, कुंडली क्या है ये भी जानने के पहले।